नमस्कार सर, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े और टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़े जहाँ फाइनल टीम मिलेगी। हमारे सारे के सारे मैच जैकपॉट जा रहे हैं। लास्ट मैच में जो मैंने स्मॉल लीग की टीम दी थी उसमें मैंने दो चेंजेस किए थे। मैंने कैप्टन ईशान किशन व वाइस कैप्टन लिविंगस्टन को दिया था। हालांकि मैंने स्मॉल लीग कैप्टन ग्रीन को कैप्टन दिया था। हमारी स्मॉल लीग की टीम से जिन लोगों ने खेला था उन्होंने भी लाखों करोड़ रुपये विन किया था। तो आप देख सकते हैं मैंने सूर्य कुमार यादव जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे उनको लिया था। रस्ती को ट्राई किया था, फिर चावला को ट्राई किया था, मैथ्यू शॉर्ट, कैमरन ग्रीन, शिखर धवन, तिलक वर्मा, जितेंद्र शर्मा, ईशान किशन, सारे के सारे स्मॉल लीग वाले प्लेयर हैं। अगर स्मॉल लीग वाले प्लेयर ही जीएल जिता सकते हैं तो स्मॉल लीग वाले कितना पैसा विन करेंगे। जिन लोगों ने हमारी टीम से खेला था उन्होंने लाख करोड़ रुपये विन किया। अगर आप भी लाख करोड़ रुपये विन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़े। बात करें इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 48 T20 मैच की, जो 5 मई 2023 गुजरात वर्सेस राजस्थान के बीच शाम 7:30 PM पर खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या टीम नंबर 1 पर है टेबल पर। राजस्थान की बात करें तो अभी 4 नंबर पर है। वेन्यू की बात करें तो स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में यह मैच खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस लगभग रहेगा। रेन की बात करें तो 20% चांस रहेंगे, आपको बारिश कम ही देखने को मिलेगी। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, ज़्यादा प्रेशर को होती है 50% विकेट प्रेशर को और 50% विकेट स्पिनर को। तो अपनी टीम में स्पिनर और प्रेशर दोनों को बिल्कुल रखिएगा। वेन्यू की बात करें तो एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का 140 के लगभग रहता है। जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो 155 के लगभग बना सकती है। हाइस्ट स्कोर की बात करें तो 195 बना इस ग्राउंड पर। टीम कंपैरिजन की बात करें तो गुजरात टाइटंस लॉस विन 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 लॉस, राजस्थान रॉयल विन लॉस लॉस विन लॉस। वेन्यू की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट ने इसमें पहले बैटिंग करते 154 बनाए थे, 7 विकेट गिरे थे जिसमें 3 विकेट पेसर व 2 स्पिनर को मिले थे। राजस्थान रॉयल 144 बनाती है, 6 विकेट होकर 5 पेसर व 1 विकेट स्पिनर को नहीं मिलता है। तो पहले राउंड में स्पिन थोड़ा कमज़ोर रही है, परंतु सेकेंड राउंड में जो भी विकेट गिरे हैं वो स्पिनर को ज़्यादा मिले हैं। जिसमें आप देख सकते हो राजस्थान रॉयल ने पहले बैटिंग करते 205 बनाए थे, 5 विकेट होकर, पेसर को 2 विकेट व स्पिनर को 2 मिले थे। CSK 170 बनाती है, 6 विकेट होकर और 6 के 6 स्पिनर को मिलते हैं विकेट। तो इसलिए देखना, ज़्यादा स्कोर भी नहीं बन रहा है, एक में 150 बन रहा है, एक में 205 बन रहा है। हेड टू हेड मैचेज की बात करें तो इसमें लगातार 4 में से 3 मैच गुजरात ने जीते और जो 2023 में मुकाबला खेला है उसने राजस्थान ने विन किया है। इसमें आप देख सकते हो गुजरात ने हमेशा बड़ा स्कोर बनाया, 192-191। ये एक टोटल लोएस्ट स्कोर हुआ था क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच था। बाकी आप देख सकते हो राजस्थान और गुजरात के बीच जो 2023 में खेला गया उसमें पहले बैटिंग करते ही गुजरात ने 177 बनाए थे, राजस्थान इसे चेस कर लेते 189 बनाकर। मैच विनर प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है आज का मैच राजस्थान जीतेगी। बाकी जो मैच विनर प्रेडिक्शन के कारण जो प्रेडिक्शन के हिसाब से मुझे लगता है गुजरात ही मैच को जीतेगी, 60% रन रहेंगी। पर मेरा मानना है कि आज राजस्थान इस मैच को जीतकर वापसी करना चाहेगी। 2023 में मुकाबला खेला गया तो उसमें किन किन ने अच्छा प्लेयर प्रदर्शन किया था। डेविड मिलर ने 46 रन बनाए थे, शुभम गिल ने 45 और हार्दिक पांड्या ने 28 रन। विकेट की बात करें तो संदीप शर्मा को 2 विकेट मिले थे, एडम जंपा को 1 विकेट, यजवेंद्र चहल को 1 विकेट। राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन ने 60 बनाए थे, सिमरन एटमाइन ने 56 और देवदत्त पडिकल ने 26 रन बनाए थे। मोहम्मद शमी को इस राउंड पर 3 विकेट, राशिद खान को 2 विकेट और हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला था। पर्सनल प्लेइंग 11 फॉर राजस्थान रॉयल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल जॉस बटलर के साथ ओपन करते हैं। गजब की जोड़ी है ओपनिंग की और यशस्वी जायसवाल अभी ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 2 पर चल रहे हैं। संजू सैमसन कैप्टन व विकेट कीपिंग करते हैं, आपको वनडाउन पर बैटिंग कर सकते हैं। मिडलॉर्डर देवदत्त पेडिका, दुर्वे जुरेल, सिमरन एटमाई, रविचंद्र अश्विन रहेंगे। आज मुझे लगता है जॉस होल्डर की जगह एडम जंपा को टीम खिलाना चाहेगी। ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, यजेंद्र चहल प्रमुख बॉलर रहेंगे। यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन, जॉस बटलर राइट हैंड बैट्समैन, संजू सैमसन राइट हैंड बैट्समैन, देवदत्त पेडिका लेफ्ट हैंड बैट्समैन, दुर्वे जुरेल राइट हैंड बैट्समैन, सिमरन एटमाई लेफ्ट हैंड बैट्समैन, रविचंद्र अश्विन राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाज, एडम जंपा राइट आर्म लेग स्पिनर है और इस ग्राउंड पर इनका जलवा रहता है। लास्ट मैच खेला था उसमें 3 विकेट लिए थे इन्होंने। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, संदीप शर्मा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, यजेंद्र चहल राइट आर्म लेग स्पिनर है। डेथ की बात करें डेथ में आपको ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा आपको डेथ में करते मिल सकते हैं। प्लेयर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो यशस्वी जायसवाल 44 रन, 47 रन, 77 रन, 124 रन, गजब का दौर है। स्मॉल लीग में आप इन्हें जरूर अपनी टीम में रखिएगा। जॉस बटलर 40 रन, 0 रन, 27 रन, 18 रन, संजू सैमसन 2 रन, 22 रन, 17 रन, 14 रन,
देवदत्त पडिकल 26 रन 52 रन 27 रन धोरण, ध्रुव जुरेल 0 रन 34 रन 34 रन धोरण, सिमरन हेटमायर 2 रन 3 रन 8 रन 8 रन, रविचंद्र अश्विन 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, एडम चंपा 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, संदीप शर्मा 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, यजेंद्र चहल 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। मेरी इस बॉलिंग में यशवंत जायसवाल रहेंगे, जॉस बटलर, संजू सैमसन टॉप के 3 बैट्समैन रखूंगा। मैं देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर को बिल्कुल नहीं ट्राई करूंगा इस बॉलिंग में। रविचंद्र अश्विन, एडम चंपा खेलते तो ये और ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम में रहेंगे। आप चाहे तो यजेंद्र चहल के साथ जा सकते हो, बाकी 2 मैचों से विकेट ले जा रही हैं तो मैं इनको लेना नहीं चाहूँगा। 4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट मिला इनको। जेल में मैं कुछ यूनिक ट्राई करने के यशवंत जायसवाल को आज के मैच में ड्रॉप करूंगा। जॉस बटलर रहेंगे, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, सिमरन हेटमायर, रविचंद्र अश्विन, एडम चंपा और ट्रेंट बोल्ट दोनों में से किसी एक, और संदीप शर्मा और यजेंद्र चहल दोनों में से कोई एक मेरी टीम में रहेंगे। ये मेरी जेल की टीम रहेगी। पोस्टल प्लेइंग 11 फॉर गुजरात टाइटन्स की बात करें तो रिद्धिमान साहू जो विकेट कीपिंग करते हैं, ओपन करते हैं टीम के लिए। शुभम गिल के साथ ओपन करते हैं, इनकी जोड़ी ठीक ठाक है। रिद्धिमान साहू 4-5 मैचों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करते हैं, वनडे ओवर बैटिंग करते हैं 2-3 ओवर, लास्ट मैच में 1 ही ओवर डाला था, बाकी 3-4 ओवर कर सकते हैं, तो अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस रहेंगे। विजय शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवटिया मिडल ओवर बैटिंग करेंगे। बॉलिंग में राशिद खान, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, जोश लेटर और एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मोहित शर्मा आ सकते हैं। रिद्धिमान साहू राइट हैंड बैट्समैन है, शुभम गिल राइट हैंड बैट, हार्दिक पांड्या राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम, विजय शंकर राइट हैंड बैट, इनके टॉप ऑर्डर में 4 राइट हैंड बैट्समैन है। तो उधर से मुझे लगता है शुरुआत में ही जसन होल्डर क्या ट्रेंट बोल्ट 2-3 विकेट लेकर आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। बाकी डेविड मिलर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अभिनव मनोहर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राहुल तेवटिया लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राशिद खान राइट आर्म लेग स्पिनर है, मोहम्मद शमी राइट आर्म फास्ट बॉलर है, नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज है, जोशुआ लेटर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। डेथ की बात करें तो इनमें डेथ में आपको मोहम्मद शमी के लास्ट 4 ओवर जरूर पहले ही खत्म हो गए, बाकी आज डेथ में और करते मिलेंगे आपको, और इनके साथ में मोहित शर्मा रहेंगे या जोशुआ लेटर 1 ओवर कर सकते हैं। प्लेयर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिद्धिमान 47 रन 4 रन 10 रन 0 रन लगातार 3 मैचों से फ्लॉप चल रहे हैं। शुभम गिल 0 रन 56 रन 49 रन 6 रन, हार्दिक पांड्या 66 रन 1 विकेट 26 रन 59 रन, हर मैच में अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं और मुझे लगता है कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। विजय शंकर 10 रन 19 रन 51 रन 6 रन, डेविड मिलर 6 रन 46 रन 32 रन 0 रन, अभिनव मनोहर 27 रन 3 रन 42 रन 26 रन, राहुल तेवटिया 1 रन 2 रन 20 रन 20 रन, राशिद खान 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, मोहम्मद शमी 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, नूर अहमद 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, जोशुआ लिटल 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। मेरी इस बॉलिंग में रहेंगे शुभम गिल, मेरी टीम में रहेंगे। उधर से मुझे संजू सैमसन और जॉर्ज पटर 2 विकेट कीपिंग अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं तो मैं उनके साथ आऊँगा। हार्दिक पांड्या मेरी टीम में रहेंगे, डेविड मिलर को मैं अपनी टीम में बिल्कुल रखूंगा, राजस्थान के खिलाफ जब जब खेले इन्होंने बड़ी पारियां खेली, बाकी राशिद खान, मोहम्मद शमी और नूर अहमद और जोशुआ लिटल दोनों में से मैं एक के साथ आ सकता हूँ। जेल में आप कुछ यूनिट ट्राई करने हैं, रिद्धिमान साहू को ट्राई कर सकते हो, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या और रहने, विजय शंकर को आप ट्राई कर सकते हो, मैं फिलहाल डेविड मिलर के साथ जाऊँगा। अभिनव मनोहर, राहुल तेवटिया किसी को नहीं लूँगा, राशिद खान और मोहम्मद शमी 2 बॉलर के साथ जाऊँगा मैं। जीएल टीम की बात करें तो कुछ मैंने 8 फिक्स प्लेयर रखे हैं, उनमें से 5 या 6 प्लेयर आपको जो टॉप टीम बनेगी उसमें जरूर मिलेंगे, जिसमें मैंने जॉस बटलर, यशवंत जायसवाल, संजू सैमसन, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी और राशिद खान 8 प्लेयर। अगर आप जीएल खेल रहे तो मैं चाहूँगा अभी आप अगर 2-3 टीम से खेलते हो यशवंत जायसवाल को बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो, ज़्यादा टीमों से खेल सकते हो तो 1-2 टीम में कैप्टनशिप भी कर सकते हो। लास्ट 4 मैचों से गजब के फॉर्म है और लास्ट मैच में 127 बनाए थे तो मैक्सिमम लोगों का कैप्टन भी होगा। अगर जेल जोतना चाहते हो तो आप इन्हें कैप्टन छोड़, आप इन्हें टीम में भी मत रखना, क्योंकि इतना जो सिलेक्शन वाला होता है जो सभी का कैप्टन होगा, सभी जीतेंगे तो सभी के खाते में 50-50 रुपये आएंगे, इसका मतलब कोई एक जीतेगा और वही जीतेगा जिसके खाते में यशवंत जायसवाल है। मैं ये नहीं कहता कि यशवंत जायसवाल नहीं चलेगा, बाकी चलने के नहीं चलने के लॉजिक देखें तो 10% चांस है इनके चलने के, बाकी नहीं चलने के 90% चांस है। बाकी ट्रंप की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल एक अच्छी बैटिंग करते हैं आपके लिए, डेविड मिलर जिनका हर बार राजस्थान के खिलाफ गजब का बल्ला चला है, सिमरन हेटमायर कभी भी इनका बल्ला चल सकता है, ट्रेंट बोल्ट जो शुरुआत में आपको 1-2 विकेट निकाल दे सकते हैं जिसमें रिद्धिमान साहू का विकेट हो सकता है, एडम चंपा खेलते हैं तो आपके लिए ट्रंप पिक रहेंगे, यजेंद्र चहल जो लगातार 4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट निकाला, आज 2-3 विकेट भी निकाल सकते हैं, चांस कम रहेंगे, बाकी जीएल ऐसे ही जीता जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हार्दिक पांड्या,
जोस बटलर, संजू सैमसन, फ्रांसिस खान व शुभम गिल मेरे टॉप प्लेयर रहेंगे। इनमें मैं कैप्टन फिलहाल सेफ चॉइस स्मॉली के लिए हार्दिक पांड्या, जेल के लिए आप संजू सैमसन को कैप्टन कर सकते हो और वाइस कैप्टन आप शुभम गिल को भी कर सकते हो।